हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गजानन भूत गणाधीशे काम कपेत्र जंबो भय चारु महासुतं शोक विना सकारकं नमामि पार्वण्यरोषो भक्तस्वभाव प्रेच्छामि त्वां धर्मसंमोदचेता यस्य यस्यान्निश्चितं रोहितं ये शिष्यस्ते कविं पुराणमनुशासिदार मनोरमीयां समनुस्मरेत्या सर्वस्य भागागमचिन्त्यरूप मागेत्य वर्णं तमस पश्यामि देवास्तवदेवदेह सर्वास्तथा भूतविशेषसंग्रहा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा अनेकबाहुर्वक्त्रनेत्रा पश्यामि त्वां सर्वपूर्णरूपं मान्तं नमध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि
के परमेश्वर के नाम गरिणाम चक्रिणाम चे गो राशे सर्वतो दीप्तिमान्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् पित्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतगर्भगो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तमनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत क्षवक्त्वं स्वेदसावेश्वमिदं अपन्तं द्यावाग्रुधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न देशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्राव्यधिकं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्पलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिता कृतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च देनामे गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं हेतास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमन्त्ररूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
कवितामहस्ते सुसहस्र नमः पुरस्तारकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तरीया निकविक्रमस्तु सर्वम् अभेदि मात्वा सर्वयदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन भावि चारसार्थमशक्तिदोषी विहाय शैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमा पिताशिलोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं हेम पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि अमेव माता चरिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम। श्री गीता जी का पाठ चौथा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री भगवान उवाच इमां देवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययां देवस्वान्मनवे प्राह मनोरेक्षकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मीमां राजर्षयो विदु स्वकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स्व एवायो मया तेज्य योग प्रोक्त पुरातन।
भक्तो सुवेश खाते थी रहस्यम हे तदोत्तम। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यथितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतनामीश्वरो सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभज क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूतामद्भावमागता। वीतराग भज क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु Hare Krishna।
बार बार कहते हैं तो शायद आपके उकताहट पैदा हो जाए कि एक एक बात क्या कह रहे हैं। कोई दूसरी बात बताओ, कोई सुनाओ, सब एक एक, एक बात कह रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, विशेष प्रत्यक्ष बात यह है कि परमात्मा तत्व प्रत्यक्ष है, वो मौजूद है, नित्य निरंतर सबको स्वतः प्राप्त है और संसार प्राप्त नहीं है। तो नित्य निरंतर प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में परिश्रम नहीं है, फिर विलंब क्यों है? आश्चर्य की बात है, सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, मौजूद, हरदम मौजूद है। हरदम जिस काल को कहते हैं, सब समय में वो मौजूद है, ऐसा कहते हैं अपनी भाषा से। वास्तव में काल उसके अंतर्गत है, काल के अंतर्गत वो नहीं है। सब समय में है, ये अर्थ तो हुआ कि समय एक व्यापक है, समय के भीतर वो सब समय में रहता है। बात ऐसी नहीं है, समय है, काल देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, अवस्था है, ये सब उसके अंतर्गत हो करके विलीन हो रही है। और वो है जो गति परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तित तत्व है जो गति है। काल से अतीत है, देश से अतीत है, वस्तु से अतीत है, व्यक्तियों से अतीत है, घटनाओं से, परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, इनसे अतीत है और इन सब में परिपूर्ण है। जैसे आकाश हम जहाँ पर है, जनता है वहाँ भी है, जहाँ जनता नहीं है जंगल है वहाँ भी है, पहाड़ है वहाँ भी है, पहाड़ और जंगल नहीं है समुद्र है वहाँ भी है, आकाश सब जगह है। ये पहाड़ एक देशी होंगे, जंगल एक देशी होगा, जनता एक देशी होगा, पर आकाश एक देशी थोड़ी होगा। ऐसे वो परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से अतीत है और सब में भी परिपूर्ण है। तो ऐसी बात पहले विश्वास कर लें। दो मार्ग है, विश्वास मार्ग और विवेक मार्ग। तो विवेक मार्ग तो ये कहता है कि सब संत नाशवान है। विवेक मार्ग नाशवान के त्याग में बहुत ही काम की चीज है। मानो ये अवस्था नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेंगे, काल नहीं रहेगा, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये अवस्था नहीं रहेगी, ये अनुभव है हमारा, सबका अनुभव है। क्या एक समान समय रहता है? क्या एक समान परिस्थिति रहती है? क्या एक समान कोई अवस्था रहती है? कोई घटना क्रिया एक समान रहती है क्या? नहीं रहती है। तो ये तो अनुभव सिद्ध बात है। तो जड़ता से ऊंचा उठना विवेक शक्ति का खास काम है। आप तो रहते हैं, आपकी अवस्था नहीं रहती है। आप कहते हो बचपन में था वही आज मैं हूँ, तो आप तो रहे, अरे बचपन कहाँ रहा? तो विवेक ये साफ कहता है कि ये दिशा इनका साथ हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। अगर विवेक का आदर किया जाए तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। विवेक वैराग्य समाधि सरसम्मति मोक्षता, इसका तात्पर्य क्या है? विवेक होने से वैराग्य हो जाएगा स्वतः ही, ये साथ रहने वाला है नहीं। ये विवेक साफ कह रहा है ना, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। अपना विवेक, विवेक किसको कहते हैं? दो को अलग अलग जानना, सतर असतर, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी, जड़ चेतन, लाभ हानि,
सुख और दुख, ये जो दो चीजें अलग अलग जानना है, इसका नाम है विवेक। तो विवेक से संसार नाशवान है, एक समान नहीं रहता, ये बिल्कुल विवेक सिद्ध बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो तो। काम क्या रहा हमारा? हमारा काम रहा विवेक का आदर करना, विवेक को महत्व देना। हम विवेक को महत्व देते हैं कि नाशवान वस्तुओं को विवेक महत्व देते हैं, ये अपने में सोचना है। खास अपना काम क्या है कि विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो, क्योंकि विवेक ठीक है, ये लाभदायक बात है, नित्य है। ये विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। जब विवेक का ही आदर नहीं करो, तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो वो कैसे होगा कि पहले विवेक का आदर करो। विवेक के आदर में नाशवान का निरादर्श होता है। साफ अनुभव है, हमारा वो शरीर नहीं है पहले वाला, अवस्था वो नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, व्यक्तियां वे नहीं है, वस्तुओं वे नहीं है, हमारे प्रसन्नता के खिलौने आनंद देने वाले वे आज देने वाले नहीं है। सब चीज हमारी बदल गई, ये बात तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है ना इस बात का। तो पहले वाली बदल गई, अब वाली नहीं बदलेगी। तो बदलने वाली पर सत्ता देना, उसको महत्ता देना, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का निरादर है ये। अपने विवेक का अगर निरादर हम न करें तो हम उनसे उठ जाएंगे। अरे इसका आदर नहीं करोगे तो बातें सुनते रहो, कहते रहो, पढ़ते रहो, उनसे नहीं उठ सकोगे। कैसे उनसे उठो बताओ? जो विवेक का, अपने विवेक का आदर नहीं करता, वो शास्त्र का भी आदर नहीं करेगा, गुरु का भी आदर नहीं करेगा, भगवान का भी आदर नहीं करेगा, वेदों का भी आदर नहीं करेगा। वो अपने विवेक का भी आदर नहीं करेगा, कैसे आदर करेगा? पहले उनको ऊंचा समझे तब ना आदर करेगा। अरे ऊंचा समझने में कारण है अपना विवेक। भाई ये बात कहते हैं ये हित की है, ये हित की नहीं है, या हित अहित दोनों को अलग अलग समझेगा तभी तो शास्त्र का आदर करेगा, गुरु का आदर करेगा, संतों का आदर करेगा, वेद पुराणों का आदर करेगा। और विवेक का ही आदर नहीं करेगा वो कैसे आदर करेगा? सीख तो लेगा, महत्व देता तो नाशवान को, तब तब तत्व की प्राप्ति नहीं होती। सीख सकते हो आप, खास बात है ये। कम से कम, कम से कम, कम से कम अपने विवेक का तो आदर करो, और न करो तो न सही। अरे अपने विवेक का आदर नहीं करे वो कैसे गुरु का आदर करेगा, कैसे शास्त्र का, कैसे वेदों का आदर करेगा? क्योंकि विवेक के द्वारा ही तो उनकी वाणी में महत्ता आती है कि ये सत्य कहने वाले हैं, हमारा हित करने वाले हैं, हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, हमारे उद्धार के लिए कहते हैं। ये तो विवेक से ही मालूम होगा ना। जो विवेक का ही आदर नहीं किया जाएगा तो कैसे आदर करेंगे? शास्त्रों का कैसे, गुरु का कैसे, संतों की वाणी का कैसे आदर करेंगे? तो कम से कम, कम से कम सबसे पहले विवेक का आदर कर दो। विवेक विचित्र पृथक भावे धातु से बनता है। तो मनो अलग अलग, नित्य अनित्य है, सत्य असत्य है, अविनाशी विनाशी है, नित्य अनित्य ये अलग अलग है। राग है, वैराग है, भोग है, त्याग है। तो भोग और त्याग दोनों सामने आए तो भोग का त्याग नहीं करोगे तो फिर त्याग कैसे आएगा? राग और वैराग दोनों में राग का अगर आप त्याग नहीं करो तो वैराग कैसे आएगा? ये विवेक सबको भगवान ने दिया है, पशु पक्षियों को, वृक्षों को दिया है भगवान ने, परंतु पशु पक्षियों को इतना ही दिया है जितने से वो शरीर का निर्वाह हो जाए। ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, भैंस आंख नहीं खाएगी भूखा मरते हुए भी। तो ये निर्वाह मात्र का विवेक पशुओं को दिया है, यार पशु काम में लाते हैं।
अपने सत्य को अच्छा समझते हैं, बांध कर जान करके सत्य की हिंसा करके सत्य बोलते हैं, सत्य की हत्या करते हैं जान करके, तो फिर तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? आप विचार करो, अरे भाई बहन सोचो कि जब अपने ही विवेक के अनुसार अपने नहीं चलते तो दूसरों का कैसे मानोगे? हमारा वेदों पर, शास्त्रों पर, गुरुजनों पर, महात्माओं पर, संतों पर विश्वास होगा, आदर होगा, उसकी महत्ता होगी, तभी तो उनके वचन असर करेंगे। अगर वो आदर नहीं करे तो उन्हें वचन क्या असर करेगा? एक पागल कोई कहता है, पागल समझते हैं, उस वचन का आदर होगा? जिन पर अपना विश्वास नहीं है, आदर नहीं है, उसका कैसे हम उसका पालन करेंगे? तो कम से कम पहले ही विवेक का आदर करो, विवेक को महत्व दो कि वास्तव में अपना क्या है, अपना हित किस बात में है। सोचो तो स्वयं ये मालूम होगा कि हमारा नाशवान का आदर है, ये हमारा कल्याण करने वाली नहीं है चीज, ये पतन करने वाली चीज है। दुर्गुण दुराचार का त्याग भी तो विवेक करोगे तब होगा, नहीं तो कैसे होगा? ये अच्छा दिखने पर भी परिणाम हित कर है। जैसे विष के लड्डू हो, वो बड़े प्यारे मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, परंतु ये ज्ञान है कि इसमें जहर है, तो फिर कैसे खाएंगे हम? भूख होने पर भी भूखा मर मरना तो स्वीकार, जहर खा मरना तो स्वीकार नहीं है। इस वजह से मुक्ति मिच्छित चेतता विषयां विषवत् त्यज, अशब्द गीता में आया है कि मुक्ति मिच्छित चेतता, तो मुक्ति चाहता है तो विषयां विषवत् त्यज, विष की तरह विषयों का त्याग करो। सुख है जिसमें विषय में सुख आता है, आराम आता है, उसका त्याग करो। अरे उसका त्याग नहीं करो तो मुक्ति कैसे छूट गया, कैसे हो जाएगा? मुक्ति नाम छूटने का है, कैसे छूटेगा बोलो? विश्व का त्याग नहीं करोगे तो मरोगे ही ना। किसान विश्वत विश तो एक जन्म में मारता है, और विषय मारते हैं जन्म जन्मांतरों तक, अनंत जन्म मारते आए विषय। जहर खा लो तो शरीर मर जाएगा, तो शरीर में थोड़ा ही उसका असर होगा, शरीर शरीर में असर होगा, आत्मा में असर होगा नहीं, पर इसका असर तो भीतर होता है स्वयं में। और ये काम अपने को करना होगा, दूसरा काम बाहर का तो दूसरों की सहायता से होगा, संगठन से होगा, दूसरे कर लेंगे, परंतु अपने अहितकारक जो परिस्थिति है, घटना है, वस्तु है, भोग है, सुख है, उसका त्याग के बिना हमारा कल्याण कैसे होगा? ये तो स्वयं करना पड़ेगा ना। दूसरे मदद कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, बात कह सकते हैं, पर त्याग तो खुद को करना पड़ेगा भाई, केवल बातों से कैसे काम चलेगा? इस वास्ते अपने विवेक का आदर करो, महत्ता दो उसको कि ये विवेक हमारे कल्याण करने वाला है, तो जो कल्याणकारी है उनका त्याग करो, तब ना कल्याण होगा। ये जो रसोई बनती है ना, बहना माता है, ये गेहूं गेहूं है, बाजरा है, उसको ठीक करते हैं, तो ठीक साल से करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक होता है। परंतु कई कई दाने ऐसे होते हैं, गेहूं का दाना और कंकर बरोबर होते हैं, थाली में चलो तो ही वही नहीं, वही यूं करो तो ही नहीं वे, तो क्या करे? फिर थाली में लेकर उनको चुप कर फेंक दे, कंकर लिया दिया, फिर शंकर फेंक दिया, फेंक दिया तो गेहूं शुद्ध हो जाएंगे, पर वो निकाल कर पीछे उसी में डाले, निकाल कर फिर उसी में डाले, शुद्ध हो जाएगा? तो सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ये गलती है, ये ठीक है, ये सही है, ऐसा कर, और फिर वही गलती करी तो कंकर चुगे और पीछे उसी में डाल दिया, तो कब कैसे शुद्ध होगा बताओ? तो धन शुद्ध हो जाएगा, उसी से निकाला, उसी में निकाला, उसी में डाल दिया पीछा। अरे कंकर है तो कंकर फेंक दिया, वो पैसा नहीं देना है, तो गेहूं शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, अपना जीवन है, वो शुद्ध हो जाएगा। जब हम इनमें जो अशुद्ध चीजें हैं, जो अहितकारक है, उनका त्याग करेंगे,
और त्याग करेंगे नहीं, थोड़ा मन में आएगा अपन सत्संग के समय, उस समय छोड़ दिया, दूसरे समय पीछे उसे कंकड़ उसे फेर डाल दिया, तो शुद्ध कैसे होगा? बस ले जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसा अवस्था वैसी बस तो उसे सुनते हैं, परसों से याद भी करते हैं, ठीक भी कहते हैं, या फिर दशा भाई। तो ये तो आज से ही कर दे, आज से अभी से ही कर दे ऐसा, जब ये अभी इनका त्याग करो, क्योंकि हमें संसार से ऊंचा उठना है, और जन्म मृत्यु में जाना है, तब तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, तो जा ही रहे भाई, सुनते ही नहीं। पढ़े पढ़े सारखे जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्रत अखा दोनों डूबन पख। पढ़े अपढ़े सारखे दोनों ही, जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ, त्याग नहीं किया, तब तो पढ़ाई या पढ़े में क्या फर्क हुआ? तो दृष्टांत दिया है कि सिर शादी, एक तो पत्थर सादा हो, पर्वत में से लिया हुआ साबुत पर है, पत्थर है, घड़ा नुआ है, एक पत्थर को घड़ करके साफ करके बेल बूटा मूर्ति बना दी घर कर ठीक तरह से, तो वो पत्थर में फर्क है, पर डूबे में क्या फर्क है? घड़ा वो पत्थर डूब जाएगा, अन्न वही डूब जाएगा। तो पढ़ा लिखा साथ ऐसा नहीं है तो वो थोड़ा घड़ा हुआ पत्थर है, और पढ़ा लिखा नहीं वो अड़गन है, टोड़ है, पर डूबे में क्या फर्क होगा? का घर सुंदर बनाने डूबेगा नहीं? ऐसे पढ़ पढ़ा कई बातें याद कर रही तो घड़ा हुआ पत्थर हो गया, दिखने में ऐसा दिखेगा, सदन में ऐसा दिखेगा, डूबने पर क्या होगा? सिर्फ शादी चित्र था दोनों डूबण पक, सिर्फ शादी हो चाहे चित्र हो, बड़ा बड़ा चित्र कर दिया, रंग कर दिया जाए तरह तरह का, तो दिखने में सुंदर दिखेगा, डूबण में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये काम तो अपने खुद को करने का है, भोजन की बातें नहीं, भोजन खुद करना है, भोजन की बातें करने से तो भाई भूख मिट जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, बातों से ज्ञान हो जाएगा, ये खाद्य पदार्थ है, ये ऐसा ऐसा तो पता होगा, पर भूख तो खाने से मिटेगी। लड्डू को मोदक कहते हैं, हमें मोदक, मोदक नाम मुद मुद हर्ष धातु से है, जो प्रसन्नता देने वाला, तो देखने से ही प्रसन्नता लगती है, पर खाने से सगुण हो जाएगा देखने से। देख ली लड्डू बढ़िया, देख ली मिठाई, देख ली, देखने से क्या पेट भर जाएगा? खाने से होगा ना, तीसरे से अपनी अभी जो बातें हो रही है ये देखने के लिए उपयोगी है, विवेक के लिए बड़ी उपयोगी है, पर विवेक का काम तो अपने आप खुद लेंगे तो होगा ना, वो तो स्वयं करना पड़ेगा, ये तो कैसे होगा? इस वास्ते अपना जीवन ठीक बनावे, जिज्ञासु होता है उसके एक एक आंख होती है, आंख के साथ साथ ग्रहण शक्ति होती है, देख लेते हैं, देख करके संसार ग्रहण करता है, कहीं सत्संग में जाते हैं दोनों बातों को ठीक पकड़ देते हैं कि भाई अब ऐसा करना है, आज दिन तक भूल करी, अब ला नशानी अब ना नशैया, आज दिन तक नाश किया अब नाश नहीं करेंगे भाई। सत्संग में एक एक बात रोजीना सुन ले तो महीने में 30 बात होती है, कितनी बात हो जाए, कितना बढ़िया संग्रह हो जाए, निश्चय तो परसों सुनते रहो, तो अपने धारण करना है भाई, क्या कर किसी की बुराई नहीं करना है, ना किसी की बुराई देखेंगे, ना किसी की बुराई सुनेंगे, ना किसी को बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे, तो बुराई छोड़ दो, भला अपना आप सामने आ जाएगा। भलाई करना है ना, वो विशेष गुण नहीं है, बुराई त्याग विशेष लाभदायक है, भलाई करो तो भलाई में साथ बुराई भी रहती है, और बुराई त्याग दो तो भलाई रहेगी नहीं, नहीं बुराई रहेगी नहीं, आप साफ बुराई रह जाएगी, बुराई को छोड़ दो, कंकर कंकर दो तो गेहूं आप साफ ठीक रह जाएगा, तुम ठीक थोड़े बनाना है, भीतर में गलती है उसको दूर करनी है, ऐसा आत्मा तो शुद्ध है ही सबका, अब अशुद्धि अशुद्धि दूर करनी है, शुद्ध स्वरूप तो शुद्ध ही प्राप्त हो जाएगा, है ही शुद्ध, तो आचरणों में भावों में जो हमारे गलतियां आई है इनको दूर करना है, और वो दूर अपने को करना है, करना अपने को ही है तो कल क्यों आज ही करो फिर, जब शुद्ध करना ही है तो 5-7-10 दिन में महीना गए वर्षों के बाद क्यों भाई, करना ही है तो करो आज ही,
या नहीं करना तो आज भी क्यों करो, कल भी क्यों करो, वर्षों के बाद भी क्यों करना है, उसका करना है तो आज ही ठीक है, आज ही तो ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक होगा नहीं भाई। बात है खूब खूब समझ रहे अपने, आज दिन तक जो समझाए वो समझ कम नहीं है हमारे लिए, खुराक काफी मिली है अपने को, कम नहीं मिली है, कम मिलाओ निहाल हो जाए। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जय श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या गुरुवार सन 2051 9 जून 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।